कॉलेज है, यहाँ से मैंने एमए किया है, एमए इकोनॉमिक्स से। ये दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस कॉलेज से। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, सारी यादें वापस आ रही हैं। वो तो जो यहाँ पे टाइम बिताया है हमने, ये हमारी कैंटीन थी, यहाँ पे हम समोसे और चाय लेते थे। बाकी यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ काफी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आजकल। मेरी क्लासेस लगती थी यहाँ, बाकी सामने हमारा ग्राउंड था। ये कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, साइड लगती थी हमारी क्लास है। ये हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिस है, सामने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अब मैं अपनी मैम से मिलने जा रहा हूँ, होंगी तो यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स हम मिल के आ चुके अपनी मैम से, मजा आया। बाकी उन्होंने गाइडेंस दी मेरे आगे के लिए क्या करना है, मुझे पढ़ाई भी चल रही है मेरी अभी आगे। देखो भाई ये हमारा बड़ा बकचोद बॉटनी डिपार्टमेंट था ये। भाई साहब इसी कॉलेज के चट्टे बट्टे हैं, यही रहे हैं ये, इन्होंने ग्रेजुएशन भी यहीं से करी है और एमए बन गया, एमए भी यहीं से करी है इसने। और ये भाई साहब हमारे ड्रामा सोसाइटी में भी रहे हैं, ये रोड पे ड्रामा करते थे आदमी, अपनी बजा देते हैं नहीं अच्छा करता था वैसे, बाकी इसके ड्रामे सही थे। उसी से इसको थोड़ा बहुत एक्टिंग का भी शौक हो गया है, अब ये सोच रहा है कि मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ। ये भ्रम है, मिथ है, झूठ है, ऐसी किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई लेकिन ये बेरोजगार एडिटर बन गया है मेरा भाई, अब ये मेरा कैमरामैन बन गया है, ये शूट करेगा। और बताओ भाई इस लोकेशन के बारे में बता, कि ये लोकेशन जो ये चैम्बर बने हुए ना सीवर के ढक्कन जो, देखो गाइस ये है लव पॉइंट्स, यहाँ पर दो दो बंदे हर डायरेक्शन बैठ जाते हैं यहाँ करके, यहाँ पर टाइम पास होता था इनका। ये बॉटनी डिपार्टमेंट का वो है लव पॉइंट, जगह काफी है, ग्रीनरी है, अच्छी खासी है, सुंदर है कॉलेज। बाकी सरकारी कॉलेज है, उसके बावजूद इतना बढ़िया है तो बढ़िया ही है वैसे तो। हमारी तो अच्छी खासी यादें जुड़ी पड़ी है। देखो ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर हम क्रिकेट बजाते थे। यहाँ पूरा टाइम हमारा यहीं पास होता था, क्लास में अगर जो हम हैं क्लास ले रहे हैं, उसके बाद हम कहीं हैं तो हम यहाँ पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं और लंच वगैरह यहीं करते थे हम। सर्दी के लिए तो ये पार्क ले, देखो संजीवनी बूटी समझो कितना बढ़िया है बैठना। हाँ सर्दी में तो इसमें धूप आती थी एकदम खुला है, विटामिन डी पूरा मतलब जगह तो काफी है, इतनी जगह है, इतनी जगह है कि जहाँ तक नजर आ रही है। हाँ सब कॉलेज का ही है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये काफी इम्प्रूवमेंट हो गई हमारे टाइम से तो यार, है ना। हमारी बिल्डिंग भी तो चालू हो गई हमारे टाइम पे। गाइस ऐसा वैसा होता है कि जब हम निकल जाते हैं तभी हर जगह तरक्की होती है, जब हम ग्रेजुएट हो गए थे ना सामने वाला मॉल चालू हो गया था। उसी से अगला और जैसे पास आउट होकर चले गए फिर अंडर पास ही बन गया, अब आने में भी आसानी होती है। और बाकी कॉलेज में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है, क्लासेस बढ़ गई हैं, रूम सुधर गए हैं और ग्रीनरी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।